नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर जी के ट्रिक्स। और आज हम देखेंगे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में लगभग एक से दो क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। इसमें सारी ने लगभग 20 से 25 इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हम देखेंगे। बाकी के आने वाले टाइम में मैं बनाता रहूँगा वीडियोज़। अभी के लिए देखते हैं लगभग 20 से 25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ये जो बेल है ना, बेल, ये तो आसानी से आपको पता ही है कि जब भी फ़ोन आता है तो घंटी बजती थी, तो बेल का मतलब क्या होता है, घंटी। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यही इसके टेलीफोन के इन्वेंटर हैं, ठीक है। अब देखिए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, जॉन लोगी बेर्ड ने, ठीक है। तो ये जो बेर्ड है हम इसको याद कैसे रखेंगे, बेर्ड, यहाँ पे देखिए ये यही पहला टेलीविज़न है, यहाँ पे बेर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे जैसे बियर ग्रिल से एक आता था ना टीवी पे, मैन वर्सेस वाइल्ड, सबको पता होगा कि बियर ग्रिल से एक बहुत ही फेमस प्रेजेंटर है, टीवी प्रेजेंटर, जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड में आते थे। तो बेर्ड और बियर, जब भी हम टेलीविज़न का नाम आएगा तो हमको बियर ग्रिल से याद आता है कि, तो बियर से हमको बेर्ड याद हो जाएगा और बेर्ड से हमको याद हो जाएगा कि टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था किसने किया था, जॉन लोगी बेर्ड ने, ठीक है। और तीसरा है देखिए इलेक्ट्रिक बैटरी, जो अभी कार कार या फिर किसी इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ होती है उसका पहला ये है मॉडल, जो फर्स्ट टाइम जो बैटरी बनी थी वह कुछ ऐसी ऐसी बनी थी, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की होती है ये हम देख कर बैटरी खरीदते हैं, ठीक है। तो वोल्ट से हमें याद हो जाएगा वोल्टा, इन्वेंटर थे एलेक्जेंड्रो वोल्टा, ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बाइसिकल, जो कि पैडल ड्राइवन बाइसिकल है, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था के मैकमिलन ने, ठीक है। ये मैकमिलन जो इनका नाम है ना, ये इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, के मैकमिलन शॉर्ट में आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो जो मैकमिलन नाम है उसमें लास्ट में देखिए मिलन, ऐसे ही एक स्टोरी बना के हम याद रखते हैं कि इनको अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने साइकिल का आविष्कार किया जिससे कि इनका मिलन आसानी से हो जाए, ठीक है। फिर साइकिल का आविष्कार करके ये आसानी से इनका मिलन हो जाता था, इनका और इनके फ्रेंड का, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए ट्रिक है, कोई गलत चीज़ नहीं है। माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर थे जैक हैरियस जानसन, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, माइक्रोस्कोप से हमें क्या दिखता है, सेल दिखाई देता ना, सेल, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जान है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सेल। तो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं सेल्स को और सेल्स में होती हैं जान, ठीक है, जान। और सीन का मतलब क्या होता है, देखना। तो जान को हम देख लेते हैं, जो कि सेल्स में जान है मतलब लाइफ है, उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हम माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर का नाम याद रखेंगे, जेड जॉनसन। अगला देखते हैं कैलकुलेटिंग मशीन। देखिए कैलकुलेटिंग मशीन एक तरीके का कैलकुलेटर था और ये धीरे धीरे कंप्यूटर्स में बदल गया, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग मशीन का इन्वेंटर कौन था, ब्लेज पास्कल, वही पास्कल है प्रेशर वाले, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, कैसे नाम याद रखेंगे, देखिए ये मान लीजिए ब्लेज पास्कल है, ठीक है, ये बच्चा जो है वो ब्लेज पास्कल है, छोटा सा कोई बच्चा है, ठीक है। अब इसका ये टीचर जो है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट के नंबर नहीं आते हैं, ये क्या बोलता है, टीचर बोलता है कि तुम रास्कल हो, तुम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। तो ये क्या करता है, बच्चे को बहुत बुरा लगता है, तो ये घर जाता है, कैलकुलेटिंग मशीन बनाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जाता है अपने स्कूल में, एग्ज़ाम देता है, कैलकुलेटिंग मशीन का यूज़ करके वो पास हो जाता है, ठीक है। रास्कल ये बोला रहता है, उससे हम पास्कल याद कर सकते हैं, रास्कल और पास्कल लगभग नाम थोड़े से मैच होते हैं, और कैलकुलेटिंग मशीन यूज़ करके बच्चा एग्ज़ाम में पास हो जाता है, ठीक है। तो पास से हमें याद हो जाएगा पास्कल, इससे भी हम याद कर सकते हैं, दो तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर, जो मरकरी थर्मोमीटर है उसके इन्वेंटर थे गैब्रियल फेरनहाइट, ठीक है, ये जी फेरनहाइट भी इनका नाम शॉर्ट में लिखा जाता है। और फेरनहाइट आपको पता है कि जो यहाँ पे तो चलिए सेल्सियस स्केल दिया हुआ है, लेकिन एक फेरनहाइट स्केल होता है, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि थर्मोमीटर में फेरनहाइट एक स्केल है। थर्मोमीटर के इन्वेंटर भी कौन थे, जी फेरनहाइट,
ये सेल्सियस स्केल का इन्वेंशन किसने किया था? देखिए, सेल्सियस नाम है जो इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था, उनका नाम है सेल्सियस, एंडियर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस स्केल को ही हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। सेंटीग्रेड का मतलब होता है कि 100 डिवीज़न में से, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जीरो जो होता है ये होता है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 100 डिवीजन्स इक्वल मार्क कर दिया इन्होंने, और ये हो गया सेल्सियस स्केल, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम में ही सेल्सियस स्केल है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट आपको पता है एक एक्सप्लोजिव है, ये एक्सप्लोजिव इतना फेमस हो गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इन्होंने अल्फ्रेड नोबल से बहुत ढेर सारी डायनामाइट खरीदी। कोई भी वॉर होता था उसमें बहुत ही ज़्यादा डायनामाइट यूज़ होता था, तो जो इसके इन्वेंटर थे बहुत ही अमीर हो गए, इनके पास बहुत ही ढेर सारे पैसे आ गए। तो इससे क्या हुआ, फिर इन्हें लगा कि इनके वजह से बहुत बहुत से लोगों की जान चली गई, ठीक है, क्योंकि डायनामाइट एक्सप्लोजिव था। और इन्होंने इसलिए बनाया था इसे क्योंकि ये पहाड़ तोड़ने में आसानी होती थी डायनामाइट से, इसलिए इन्होंने उसका इन्वेंशन किया था। लेकिन पॉलिटिक्स में इसका बहुत ही गलत यूज़ हुआ और इसको बॉम्ब बना के बहुत ही लोगों की जान ली गई, ठीक है। तो इसलिए इनको बहुत ही दुख हुआ, जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनको बहुत ही दुख हुआ कि मेरे इन्वेंशन से लोगों इतने लोगों की जान चली गई, अब लोग इनको बहुत ही गलत इंसान के रूप में याद रखेंगे क्योंकि यही डायनामाइट के इन्वेंटर थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना सारा पैसा इन्होंने दान कर दिया। उस पैसे पे जो भी जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उससे ही हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। जब भी अब डायनामाइट का नाम सुनेंगे तो ये स्टोरी याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है जो डायनामाइट के आविष्कार रखते हैं, ऐसे आप याद रखिए। एक स्टोरी से याद रखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से कुछ भी याद हो जाता है। अगला देखते हैं, देखिए स्टीम इंजन, स्टीम देखिए पावर को हम किस में मेज़र करते हैं? पावर को हम मेज़र करते हैं वाट में। पावर होता है वर्क डन पर सेकंड, यही होता है वाट, ठीक है। तो जो स्टीम इंजन है इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है, कितनी लंबी ट्रेन चलती है इसी से, मतलब इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है स्टीम इंजन का, तो पावर से हमें याद हो जाएगा वाट, पावर की यूनिट है वाट, आपको पता ही होगा। इससे हम याद रखेंगे स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने, ठीक है। अगला देखते हैं, डीजल इंजन, ये तो नाम से ही हमें डायरेक्ट ही पता चल जाता है, आपको डीजल ऑयल भी पता है, ठीक है। तो डीजल इंजन जो था वो रुडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया था। फिर देखिए मोटर कार, मोटर कार का इन्वेंशन किया था कार्ल बेंज ने, ठीक है, कार्ल बेंज। ये जो बेंज है उसी के नाम से आज भी एक कंपनी है, मर्सिडीज बेंज, आपने नाम ही सुना ही होगा, मर्सिडीज बेंज, ठीक है, ये मर्सिडीज का लोगो है। तो आप समझ लीजिए कि ये जिसके नाम पे ये कंपनी है वही कार के इन्वेंटर हैं, ठीक है, मोटर कार कुछ ऐसी थी पहली कार, तो कार्ल बेंज जो हैं वही हैं मोटर कार के इन्वेंटर। डायनेमो, अब डायनेमो का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो जनरेटर आपने देखा ही होगा, जनरेटर में जो ये वाला पार्ट होता है ये बिजली इसी में प्रोड्यूस होती है, मतलब यहीं पे बिजली पैदा होती है, इधर का पार्ट तो बस एक इंजन है जो कि इसको रोटेट करता है, जो इसका शाफ्ट है यहाँ पे एक शाफ्ट है, ठीक है, अंदर ही ऐसे ऐसे रोटेट होता रहता है बहुत ही तेज़ी से। तो ये इंजन जो कि डीजल से चलता है वो इसको रोटेट करता है, तो इसके अंदर कुछ कॉइल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो इसी को हम डायनेमो कहते हैं, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और यही चीज़ जैसे मान लीजिए एक कोई डैम है, ऊपर से पानी गिरता है तो वहाँ पर वो शाफ्ट को ऐसे रोटेट करता है तो उससे भी बिजली पैदा होती है, उसमें भी ये डायनेमो होता है लेकिन वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो डायनेमो के आविष्कारक कौन है, माइकल फराडे। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जो जनरेटर होता है इससे क्या होता है, मान लीजिए रात में लाइट चली गई, ठीक है, तो अंधेरा हो जाता है, फिर क्या होगा, आप जनरेटर चलाएंगे, अगर तब इन्वर्टर नहीं आया था तो आप जनरेटर चलाते हैं, ठीक है। जब आप जनरेटर चलाते हैं तो फिर से उजाला हो जाता, उजाला मतलब डे की तरह हो जाता, तो डायनेमो होता है जनरेटर में, ठीक है, और जनरेटर से रात भी कैसा हो जाता है, रात भी डे की तरह हो जाता है, ठीक है। तो फराडे इस नाम को याद रख लेंगे, ठीक है, माइकल फराडे डायनेमो के इन्वेंटर थे। अगला देखते हैं, सेफ्टी एलिवेटर, एलिवेटर मतलब क्या होता है, वो जो लिफ्ट होती है ना जो बिल्डिंग्स में लगी रहती हैं ऊपर जाने के लिए, आप सीढ़ी से कब तक चढ़ेंगे, चढ़ते ही रह जाएंगे ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स में,
तो ये जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। सेफ्टी एलिवेटर के इन्वेंटर हैं एलिसा ग्रेव्स उटीज, ई जी उटीज, ठीक है। उटीज से हम क्या याद रखेंगे? उठी। और इसके अंदर आप अगर चले जाते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है ना, ऊपर उठ के आपको अगले फ्लोर पे ले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेफ्टी एलिवेटर जब भी नाम आएगा तो हम उठी याद कर लेंगे। उठी मतलब ऊपर उठती है, ठीक है। तो उससे हमें नाम याद आ जाएगा एलिसा ग्रेव्स उटीज। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस एडिसन। ये तो आपको पता ही है, थॉमस एडिसन के नाम लगभग 2000 से भी ज़्यादा इन्वेंशंस हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये थॉमस एडिसन के नाम पे है। ग्रामोफोन, ये भी थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पे ही है, ठीक है। यहाँ पे अल्वा है, ये थोड़ा सा मैं भूल गया, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन, ये तो आपको याद ही है। फाउंटेन पेन, अब देखिए फाउंटेन पेन के इन्वेंटर थे लेविस एडिसन वाटरमैन, ठीक है। तो अब ये वाटरमैन जो है ये हमें हेल्प करेगा नाम याद रखने में। फाउंटेन, फाउंटेन मतलब क्या होता है? फाउंटेन मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फव्वारा जो होता है वही है फाउंटेन। तो वाटरमैन, फाउंटेन में है वाटर, फाउंटेन पेन के इन्वेंटर कौन है? लुइस एडिसन वाटरमैन। अब एल ई वाटरमैन लिखा रहता है ज़्यादातर, ठीक है। सेफ्टी रेजर, अब देखिए सेफ्टी रेजर के इन्वेंशन है किंग सी जिलेट। तो ज़्यादातर जिलेट ही नाम कर रहता है। सेफ्टी रेजर के इन्वेंटर कौन है? जिलेट। अब चार ऑप्शन में आप अगर जिलेट देखेंगे तो आपको पता है जिलेट एक ब्लेड की कंपनी है, ठीक है। तो वही इसके इन्वेंटर भी हैं, उन्हीं के नाम पे कंपनी है जिलेट, और सेफ्टी रेजर के इन्वेंटर भी जिलेट ही हैं। इससे हम सेव करते हैं अपनी दाढ़ी, सेव करते हैं, वही वाला सेफ्टी रेजर है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के इन्वेंटर कौन है? हैरी। तो अब हम इसको कैसे याद कर लेंगे? देखिए स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जिसमें रस्टिंग ना हो। स्टेन मतलब ऐसे कुछ रस्ट होता है, ये रस्ट देख रहे हैं आप ना, जैसे आप किसी लोहे को या फिर बाहर रख देंगे तो वो धीरे धीरे रस्टिंग उसमें आ जाती है, इसमें स्टेन्स आ जाते हैं, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील क्या है? ये जैसे आप रेलिंग पे ये वाली जो स्टील लगी रहती है, ये होती है स्टेनलेस स्टील। तो इस पर रस्टिंग नहीं होती है। तो इसके इसके इन्वेंटर कौन है? हैरी ब्रेयरली, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे? ये देखिए ये नाम जो है ना ब्रेयरली, इसमें ये रेयरली जो आ रहा है, रेयरली, रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, बहुत ही मतलब कम चांस होते हैं। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम चांस है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो है उस पर जंग लगने की संभावना बहुत ही कम है, मतलब रेयरली इस पर कोई जंग लगती है इस वाले स्टील पर, ठीक है। तो ब्रेयरली, स्टेनलेस स्टील के आविष्कार कौन है, इन्वेंटर कौन है? हैरी ब्रेयरली, ठीक है। रेयरली से हम याद कर लेंगे कभी कभी, इसमें बहुत ही कम चांस है जंग लगने की, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप के इन्वेंटर हैं हम्फ्री डेवी, ठीक है। तो ये जो डेवी नाम है ना, डेवी, इससे हम याद कर लेंगे ये देवी, जैसे दुर्गा जी होती हैं इनको हम देवी बोलते हैं ना। तो ये देवी की पूजा हम किससे करते हैं? एक दिया जलाते हैं, मतलब लैंप जलाते हैं इनके सामने, ठीक है। तो सेफ्टी लैंप के इन्वेंटर कौन है? हम्फ्री डेवी। अब जैसे देखिए सेफ्टी लैंप का नाम आता है, चार ऑप्शन है वहाँ पे, उसमें आपको जहाँ भी ये देवी लिखेगा वो हमको पता चल जाएगा कि यही है इनके इन्वेंटर। और ये सेफ्टी लैंप क्या होता है, जैसे पहले माइंस में जब मजदूर काम करते थे तो बहुत, जैसे कोयले की खदान है उसमें अंदर ये अगर आग जलाते थे तो क्या होता था, जो नेचुरल गैस होती है वो कोयले की खदान में निकलने लगती थी। उससे क्या होता था, अगर ये वाली ये ऐसा दिया हम जलाते हैं तो वो गैस में आग लग जाती थी और कई मजदूर उसमें मर जाते थे। लेकिन क्या हुआ बाद में, ये जो हम्फ्री डेवी थे इन्होंने इसका इन्वेंशन किया सेफ्टी लैम्प। तब इसमें क्या होता था, अंदर लाइट जलती थी ऐसे, लेकिन वो बाहर अगर गैस है भी तो उसमें फायर कैच नहीं होगा, ठीक है। यही है सेफ्टी लैम्प। तो थैंक यू गैस, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ठीक है। थैंक यू।